कल का ऐसा प्रभाव देखने में लगा कि जब कोर्ट को ये पता चला कि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से वे बीसीसीआई के बैठक में हिस्सा लिए थे और कोर्ट ने इस पर बड़ा कड़ा एतराज जताया था, तो दलील खत्म होने के पश्चात उन्होंने कोर्ट को आज फिर एक अर्जी लगाई है कि मुझे बीसीसीआई अध्यक्ष का चुनाव लड़ने दिया जाए, अगर अध्यक्ष मैं बन जाता हूं तो जब तक जांच चलेगी तब तक मैं किसी भी कैपेसिटी में बीसीसीआई के बैठक में, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के बैठक में, किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लूंगा।